हमारे पास सबसे पहले आए। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ रिपीट करना, कब तक नाचोगे बारात में? कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज़ ब्लॉग। मैं डेली ब्लॉग करता हूँ भैया, ठीक है, अगर आपको पता हो तो। पहला ब्लॉग सुबह 12 बजे आ चुका है, नवरात्रि डे 3 ब्लॉग। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, लेकिन पहले ये वाला देख लो, ये ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि इसमें मेहनत लगी है भैया। येस्टरडे आई अटेंडेड अ ब्लॉगर्स मीट ऑर्गेनाइज बाय रोड माइक्रोफोन्स एंड ट्राइमैक इन न्यू दिल्ली, द पार्क होटल, कनॉट प्लेस। और मैंने ऐसे ही मतलब अप्लाई कर दिया था, जो लिंक था उनका फॉर्म था, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट होगी, लेकिन हो गई। मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे इन्विटेशन आया। और टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, मेरा ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड एक पहला इन्विटेशनल इवेंट था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, इसलिए मैं सब काम छोड़ के सुबह निकल पड़ा था भैया। अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनली आई वांट टू थैंक रोड माइक्रोफोन्स एंड ट्राइमैक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट, ब्रिंगिंग ऑल द ब्लॉगर्स फ्रॉम दिल्ली अंडर वन रूफ। और भैया जब मैं उस हॉल में एंट्री कर रहा था ना, तो मेरे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन जैसे ही हॉल में एंट्री करी, सब कुछ पॉजिटिव हो गया, सब कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन में तब्दील हो गया था भैया, ठीक है। दूसरी बात यह कि एक तरफ मुझे कंपटीशन नज़र आ रहा था, लेकिन एक तरफ मुझे YouTube इंडिया का फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा था, YouTube व्लॉगिंग इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा था। अगर आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया व्लॉगिंग में वो बात नहीं रही है, अब तो बस हर कोई व्लॉगर बनता फिर रहा है, जल्दी ये कैटेगरी जो व्लॉगिंग कैटेगरी है वो विलुप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यू आर सैडली मिस्टेकन भैया, बहुत लंबे तक चलने वाली है ये व्लॉगिंग। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ब्लॉगिंग का नाम रहेगा। लेट्स बिगिन द वीडियो, और इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीख के जाओगे अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो, यूट्यूब से हो, या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हो अपनी लाइफ में। तो अब स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और दिखाते हैं आपको कल का दिन कैसा रहा था मेरा ब्लॉगर्स मीट वाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, सूरज दिख रहा, गुड आफ्टरनून हो गया है। आज ब्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है, और कल मैंने बताया था कि आज रोड ब्लॉगर्स मीट है, तो अभी हम जा रहे हैं सीपी राजीव चौक द पार्क होटल, ठीक है, वहाँ पे है मीट। 2 बजे पहुँचना है, एंट्री बंद हो जाएगी 2 बजे, उससे पहले पहले पहुँचना है। लेकिन एक दिक्कत है कि जो मेरा ट्राईपॉड है ना, वो जब हम लोधिया डिस्ट्रिक्ट वाला ब्लॉग बनाने गए थे तब खुशबू के पास ही रह गया है। ओ भैया आर्टिस्ट भाई, ट्राईपॉड दे दो, लेट हो रहा है, निकालना भी मुझे पड़ेगा। हाँ ये होगी ना बात। तो भैया ये ले लिया भरत से, और अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट लवर हो, पेंटिंग वेंटिंग का शौक है, तो डू चेक आउट इस चैनल भरत परमार आर्ट्स। Here at Connaught Place, राजीव चौक, और कोविड के बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन सीपी वैसा के वैसा ही है, उतनी भीड़, उतना ही जोश, उतना ही जुनून। होटल द पार्क कनॉट प्लेस, अब देखते हैं कैसे एंट्री होगी, कहाँ से होगी। अभी तो भैया होटल के अंदर घुसे भी नहीं है, बाहर ही ब्लॉगर मिल गए सारे। अरे यहाँ पर सारे ब्लॉगर से भाई देखो, अभी सबसे करके मुलाकात करवाएंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन टेंशन मत लेना, बहुत मजा आने वाला है, एक्साइटिंग वीडियो आने वाली है। सो गाइस, वी आर नाउ हियर एट द पार्क होटल, और सारे ब्लॉगर है भैया, सब इंट्रो दे रहे हैं यहाँ पे। आशीष ही होगा मैम, हाँ यही वाली, थैंक यू। तो भैया ये पूरा मीटिंग एरिया है जहाँ पे इवेंट होगा पूरा, काफ़ी ब्लॉगर्स आए हैं दिल्ली से, काफ़ी लोगों के सब्सक्राइबर्स मिलियंस में भी है, काफ़ी लोगों के केज में है, और हम सिर्फ है 1300 सब्सक्राइबर वाले। सो गाइस, वी आर एट द इवेंट, वी गॉट आर एंट्री कार्ड, और चल रहा है अभी सिस्टम, थोड़ा लेट है क्योंकि लोग अभी आए नहीं है, ब्लॉगर्स सब के सब इंट्रो बजाने में लगे हुए भैया,
सबको एक ही दिन में ब्लॉगर बन जाना है। चारों तरफ भैया ब्लॉगर बैठे, चारों तरफ, मतलब ब्लॉगर से ज्यादा मुझे कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है। मुझे अपने घर जाना है। जोश, राइट? सो वन लास्ट टाइम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जो हमारी मुलाकात हुई, जो गेस्ट स्पीकर थे, वो थे अमिताभ दयाल जी, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने मुंबई में, अपना सब कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, तो ऐसा लग रहा था कि एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। और फिर उनकी कुछ बातें थी जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अमित जी के स्टाइल में ही देवी और सज्जनों, स्वागत कीजिए अमिताभ दयाल जी। ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो ब्लॉगिंग मैं लंदन में था, वहीं से मैंने शुरू कर दी थी 2-3 साल पहले। छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है। सर हमारे साथ है अमिताभ दयाल जी, कुछ कहना चाहेंगे सर आप? ऑल द बेस्ट टू यू, कीप इट अप, अपने सपनों को फॉलो करिए। थैंक यू, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज द फोटोग्राफी ब्लॉगर कुणाल मल्होत्रा। उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, उनसे इंटरेक्ट करके एक पॉजिटिव वाइब आई थी, और बहुत ही काम नेचर, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सॉफ्ट टॉकिंग इंसान। मैं उनको इंस्टाग्राम पे टू बी फ्रैंक फॉलो नहीं करता था, कल ही फॉलो किया है। क्यों झूठ बोलना फैन हूँ फॉलो करता ना ना कल ही किया, लेकिन यूट्यूब वीडियोज़ काफ़ी देखी थी, और कल पर्सनली मिला तो बहुत अच्छा लगा। उनके साथ भी कुछ लम्हे बिताए थे, देखिए आप। राउंड ऑफ अप्लॉज अगेन। मम्मी पूछती रहती थी कि कब जॉब करनी है, वापस क्या है। सो एक साल बाद मुझे कुछ वर्कआउट होते हुए दिखा यूट्यूब में, बिकॉज इनिशियली आई क्विट माय जॉब टू कम इनटू दिस फोटोग्राफी थिंग। फॉर्म कंटेंट बिकमिंग सो पॉपुलर इवन ऑन यूट्यूब विद यूट्यूब शॉर्ट्स, सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट गोइंग ऑन यूट्यूब? बिकॉज यू नो अर्लियर इट वाज अ लिटिल डिफरेंट, नाउ द अटेंशन स्पैन, लाइक बोलते हैं कि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स का होता है, ह्यूमंस का 8 सेकंड्स का, व्हिच इज इवन लेस। सो उसके साथ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, दैट वी ऑल डू सो मच एफर्ट्स? तो वो टाइम आपने कैसे निकाला? अगर वो टाइम आई थिंक आपने मतलब गिव अप, बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर दिया होता उस टाइम पे, तो आई थिंक यहाँ पे सब नहीं बैठे होते उस टाइम के लिए, या किसी को इंस्पायर करने के लिए कि वो टाइम निकालना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आगे फिगर्स बढ़ते हैं। सो वी हैव कुणाल मल्होत्रा विद अस, कुछ स्पेशल टिप्स यंग हसलर्स के लिए? बाकी तो कुछ नहीं, सब एक ही बात कर रहे हैं। हाँ वही है, मैं भी बोल बोल के थक गया। तो टिप कुछ नहीं यार, बस यही है, सब रेस चल रही है, यू हैव टू बी डिफरेंट। और एक छोटा सवाल, क्वांटिटी मैटर्स या क्वालिटी मैटर्स? अभी मेरे डिस्कशन हुआ, मैं ये बोल रहा हूँ शुरू में क्वांटिटी मैटर करता है, जब ऑडियंस एक बन जाता है फिर आप क्वालिटी पे काम कर सकते हो, बिकॉज डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी पहले ऑडियंस ले आते हो, फिर आप अपनी मन मर्जी का कर सकते हो। मेरा थैंक यू सो मच। Then it's time for my personal favorite, भूखा सांड, मिस्टर पुजनीत सिंह। जब मैं राजकोट था ना, मैं उनके YouTube पे ब्लॉग्स देखता था। टू बी ऑनेस्ट, मैं उनको इंस्टाग्राम पे कल तक फॉलो नहीं करता था, कल ही फॉलो किया मैंने उनको। लेकिन मैं उनके ब्लॉग्स YouTube पे देखता था, और राजकोट में था ना, तब मैं सोचता था कि जब दिल्ली जाऊँगा ना, तो ये सारी फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करूँगा, फूड ब्लॉग्स बनाऊँगा। तो उनकी बातें सबसे ज़्यादा मुझे कल पसंद आई है। उनकी कुछ मोमेंट्स है मेरे साथ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शायद इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा। तो बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके। अगर पुजनीत जी आप कभी ये वीडियो देखो तो प्लीज भैया लाइक करके कमेंट कर जाना। कंटेंट बनाता रहता था। अब वीकेंड पे मैं उठता था, चला जाता था। अब मेरे फादर इन लॉ आते थे, वो कहते थे यार तू हफ्ता भर काम करता है, शनिवार एतवार तो फैमिली के साथ टाइम बिताया कर। मैंने फिर एक दिन उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, उनको था कि भाई ये तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, कुछ कमाता मुता नहीं है। तो ये है, एक दिन मैंने अपनी जो इनकम थी वो उनको ऐसे दिखा दी। वो दिन है और आज का दिन है, वो कुछ नहीं बोलते उसके बारे में कि आप क्या है। अब तो वो मुझे हर वीकेंड पे आ गए, उसने ये फ्री वाला था, ये पेड वाला था। देखो मेरे पास रोज हजारों मेल आता है, कहता आपके मेल के ऊपर लिखा था भूखा सांड, कहता ये पूरी मतलब जो मेरी लिस्ट थी उसमें सबसे अलग चीज थी, ये भूखा सांड चीज है। और कोई मैं बोलना चाहूंगा, गुजरात से हूं। बस सर थैंक यू सो मच, और भाई को सपोर्ट करो। दो ही लोग पैसा कमाते हैं, पंजाबी और गुजराती। बाकी आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहो। सारे कमाए और हमारे पास सबसे पहले आए। एक बार एक बात मैं जो बोल रहा हूँ रिपीट करना, कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। थैंक यू सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सुपर स्पीकर मिस्टर राधाकृष्ण सर, पिक्सल विलेज उनका यूट्यूब चैनल है। ब्लॉगर शायद उनको इतना ना जानते हो, लेकिन फोटोग्राफर हर एक जानता होगा उनको भैया, ठीक है। और जब वो बोल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था मुंह से मोती निकल रहा है भैया, इतना सॉफ्ट, इतना मतलब क्या कहते हैं, मेसमराइजिंग वॉइस, और मज़ा आ गया मतलब उनके साथ इंटरेक्शन करके। और उनके साथ भी मैंने पर्सनली 1-to-1 इंटरेक्शन किया, और उन्होंने जो बताया ना वो आपको सुनना बनता है भैया। एक एक्सपीरियंस क्रिएटर
एक बिगनर को जब समझाता है ना, तो वो जो क्या कहते हैं बॉन्डिंग होती है ना, वो जो जुगलबंदी होती है, वो देखना बनता है। क्वालिटी मैटर्स और क्वांटिटी मैटर्स। Quality or quantity? Yes. It's a very interesting question. Actually, both matters, but I would put my money on quality. Okay. Abhi filhal, we are very close to reach 100 days, 100 vlogs. Oh. Regularly posting videos. So, I have not seen that much growth posting quantity. So, should I focus on quality or just going with the flow, posting regularly? I mean, no, daily vlogs. No, see, doing 100 vlogs back to back without breaking itself is a Himalayan task. Yeah, I know that's a big achievement for me, but somehow I'm not getting that much growth. Correct. So maybe it is not about the quantity. Yeah. It may be. I'm not focusing on numbers. I just want to say that should I make more consistent vlogs or drop the quantity and focus on quality? Well, I don't have a straight answer, but I would definitely say see if you can maintain this number, which is like a Himalayan task. And at the same time, if not great quality, give a better quality. Before even you make any change, try to understand what was lacking in that 100. Was there anything lacking in that at all? It may be your own imagination that is my quality nahi hai. Pehla jo lag hai wo to yehi hai ki hamare paas ek acha microphone nahi hai. So Road ne bata diya, so kuch investment kiya jayega. Nahi, definitely it is an investment. Mobile phone is an expense. You will keep doing it. He'll keep making that expense, but your audio is an investment. Thank you so much, sir. It means a lot. Thank you so much. It's nice to meet you. All the best. So that's how we spent our Road Bloggers meet yesterday. Or कुछ वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं कि उस पर व्यूज़ आते हैं, कुछ वीडियोस इसलिए बनाते हैं कि वो ट्रेंडिंग होती है, लेकिन ये जो वीडियो बनाई है ना भैया, ये दिल के बहुत करीब थी। इसमें कुछ ना मिलता ना तो भी मैं खुश था। तो भैया अभी हम मिल रहे हैं विशा खंडेलवाल जी से। जब ये 5K पे थे तब से हम फॉलो कर रहे हैं। मैं तब गुजरात में था, राजकोट में। अभी मैं यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गया वापस, तो अब मिलना जुलना होता रहेगा अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि दिल्ली में ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू गुजरात। ठीक है, और आपका कंटेंट इज किलिंग डे बाय डे। भाई कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, आप मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा है जान के। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, सो या अच्छा लगता है जब आप यूट्यूब से कोई आपका फैन है, कोई सब्सक्राइबर आके, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसे मॉल में हुआ था गुजरात में, कोई अचानक से बच्चा आके बोला कि मैंने आपके ब्लॉग देखे। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लगता तो है। ऐसे आपको भी मेरे को लग रहा है कि स्टार स्टार जो हुआ हो। थैंक यू सो मच। अब एक सेल्फी ले लेते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर डालना जरूरी है। जो मीट की टाइमिंग्स थी वो ये थी, 2:30 बजे शुरू होगा, 2.5 घंटे का, 5 बजे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 7 बजे तक नॉनस्टॉप चला। मेरे को ना भूख लग रही थी, ना ही मैं घर से खाना खा के गया था, लेकिन ये था कि मज़ा बहुत आया उस मीट के अंदर। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ट टचिंग वीडियो टिल नाउ। और एज अ क्रिएटर मैं तो अपने बकेट लिस्ट होगी ना कि आपको कौन सी वीडियो पसंद है आपके चैनल पे, तो वो ये वाली वीडियो होगी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कीप एंजॉइंग योर लाइफ, कीप ब्लॉगिंग, कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टाटा, बाय बाय। एंड नवरात्रि चल रहे भैया, जय माता दी। तो भैया कल वहाँ पे MS के ब्लॉग्स भी मौजूद थे, सलीम भाई, लेकिन उनका मॉर्निंग सेशन था, हमारा इवनिंग सेशन था, तो मिलते रह गए हम। लेकिन दीपिका पादुकोण कहती है ना, ये जवानी है दीवानी में, कि ज़िंदगी में कितनी भी कोशिश करो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो कल हम एक रेप्यूटेड क्रिएटर से मिलते रह गए, इतनी इतनी बारीकी से चूक गए। मॉर्निंग वाला सेशन ले लिया तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है, तो मिलते आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी अगेन इतना सारा।